की तैयारी कर रहे हैं। सर सबसे पहले बात तो ये है कि पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि यूसीसी का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। जब आप एक देश को जब आप एक साथ जोड़ने की बात करते हैं तो उस देश में एक कानून क्यों नहीं होना चाहिए? आप एक चीज बताइए, मैं उनसे ये बात पूछना चाहता हूँ, क्या इंसानियत के रूप में क्या उन्हें ये लगता नहीं है जो ट्रिपल तलाक के मुद्दे को जो हटाया गया तो क्या वो गलत नहीं था? आप हमेशा आप जो धर्म को लेके बीच में चले आते हैं, आपको देश की तरक्की ज्यादा महत्वपूर्ण आपको लगती है कि धर्म को बीच में लेके लाना ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए? तो आपको पहले यह समझना पड़ेगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब कभी नहीं है कि अल्पसंख्यकों को और मुस्लिमों को आपसे अलग कर बांटा जा रहा है, सनातन धर्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है सर। अगर देश अगर हमारा एक अगर संगठित होना चाहता है तो सर एक देश में सर एक कानून होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो भी अच्छा, नहीं अच्छा लगता है तो भी अच्छा। पढ़े लिखे आदमी है और जरूरी नहीं कि माइक जरूरी नहीं माइक ऐसे ही डाला जाए, माइक कभी कभी ऐसे भी डाला जा सकता है, यही पढ़े लिखे आदमी का फर्क होता है। अब मैं आगे आपका आपकी बेचैनी मैं समझ रहा हूं जी। मैं जी सीनियर सिटीजन हूं, अगर हिंदू मुसलमान का खून अलग हो या लाल हो या पीला हो, पर खून तो एक ही हमारा और हम अपने भाइयों के लिए जान निछावर कर देंगे। बहुत अच्छी बात है, आप जान निछावर करने की जरूरत नहीं, बस सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि उनके यहाँ सिवई खाते खाना जारी रखिए और उनकी सिवैया लेते रहिए और प्रेम मोहब्बत बनाए रहिए। जान देने की जरूरत नहीं मौलाना, जान देने की नहीं, जान जीवन जीने की इच्छा रखिए बस, और जान लेने की जरूरत नहीं है बस। बहुत बड़ी बड़ी चीज जी, विश्व हिंदू परिषद का आखिर मत क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जानना बेहद जरूरी, उनका भी जानेंगे और उसके बाद एक एक करके मैं आऊंगा। प्रभात जी आऊंगा आपके पास भी, देखिए तबीयत तो ठीक है ना मनोज जी? हाँ जी जी। एक देश एक विधान एक निशान एक संविधान, ये भारत की पहचान है। और ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि एक देश में एक समाज के अंदर एक महिला की स्थिति इतनी बुरी हो जाए कि उसको कभी भी तीन बारी तलाक तलाक कहकर उसको छोड़ दिया जाए? और इतना ही नहीं, एक हलाला जैसी विधि जिसके अंदर उस बिचारी को किसी और के साथ एक रात बितानी पड़े, ये कैसे हो सकता है? इतना ही नहीं, एक होता है मुतह विवाह यानी टेम्परेरी मैरिज। यदि मान लो कोई मुस्लिम युवा कमाने के चक्कर में मुंबई चला गया दिल्ली से, तो वहां जाकर के वो चार महीने के लिए तीन महीने के लिए मुतह विवाह कर सकता है। ऐसी तरह की गंदी डकियानूसी परंपराएं अगर बनी रहेंगी समाज में तो कैसे उसको अधिकार मिलेंगे? और हमेशा आप ये कहते रहो कि 1400 साल पहले शरीयत आई थी। अरे भाई 1400 साल पहले तो मुसलमान टीले पे घूम रहे थे और वहां पर क्या खा? देखिए, मुझे यहीं पे आपके पास आऊं। अच्छा जी, आजा जी, क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम भगवान दास जी। ये भगवान दास जी जी, अरे बस फिर तो है। तो यहाँ पर दीन धर्म की बात करना है या मतलब देश की बात करने आए हो? अरे नहीं, देश में क्या हो रहा है, भुखमरी हो रही है या देश दीन धर्म की बात कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो आप यहाँ पे, क्या मतलब बनता है तुम्हारे बैठने का यहाँ पे? अब से 20 साल पहले क्या आप यहाँ पे बैठते थे क्या, मजमा लगाते थे क्या यहाँ पे? आप जब से बीजेपी आया ना, आप जैसे नहीं यहाँ हिंदू मुस्लिम करवा रखी है, कभी दीन के नाम पे कभी धर्म के नाम पे, क्या बात है आपकी? आप खाली भी देश की बात कीजिए बस, देश के अंदर क्या हो रहा है, भुखमरी फैल रही है, क्या हो रहा है, किसके पास रोजगार है किसके पास नहीं है, आप सिर्फ वो बात कीजिए बस। समझ लीजिए, इस देश में सुनिए, इस देश में हिंदू कभी हिंदू बनने की कोशिश नहीं करता। जब मुसलमान कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, तब हिंदू कहता है कि मैं हिंदू। किस तरीके के तब कहता है, और ये मैं ही नहीं कह रहा, ये सावरकर ने आज से कई सालों साल पहले कहा कि आपने कहा कि मैं मुसलमान हूँ, तब मैंने कहा कि मैं हिंदू हूँ, नहीं तो मैं मानव मात्र हूँ। जी ठीक है, वन बाय वन वी विल टेक इट जी। हाँ, सबसे प्रभात जी, सबसे पहले हमारे जिस भाई से आपने पूछा था तबीयत थोड़ी अस्वस्थ थी, लेकिन ये आज का मुद्दा ऐसा है कि मुझे लगा मैं घर पे नहीं बैठ सकता, तबीयत अस्वस्थ होने के बावजूद भी मैं यहाँ आया हूँ जी। वो जो मेरे भाई ने कहा शिक्षा की बात, हाँ, शायद उनको नहीं पता था कि जवाहर नवोदय विद्यालय इसी देश के अंदर है।
सुनो बात सुनो। जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना इसी देश के अंदर करवाई गई थी और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने करवाई थी। अब दूसरी बात आ रहा है इस पे, भाई ने सामने से पूछा कि धर्म, राहु केतु जो है ना, दोनों राहु केतु यहीं रो जाते हैं। प्लीज जी भाई, मेरा मानना है कि राजनीति का तो धर्म होना चाहिए। चाचा चुप हो जाओ प्रभु, मैं जानता हूं आप। राजनीति का तो धर्म होना चाहिए, लेकिन धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं आपके साथ हूं। और सावरकर का नाम लिया मेरे भाई ने। भाई 1937 में क्या बोला था, टू नेशन थ्योरी याद है? देश को बरगला दिया आपने कि बंटवारा ऐसे हो गया वैसे हो गया, लेकिन आप ही हो वो जो जिस सावरकर ने टू नेशन थ्योरी दिया और सरकार बनाई मुस्लिम लीग के साथ, देश को तोड़ने का काम किया। ठीक कह रहे थे, ये आपका काम ही तोड़ना है, आपका काम ही तोड़ना है। और सुनना, आपने आपने मुसलमानों के बारे में इतनी बातें बोल दी, गंधर्व विवाह सुना है? अरे गंधर्व विवाह सुना है? प्रभु गंधर्व विवाह सुना है? जाके पढ़ लेना, गंधर्व विवाह पढ़ लेना। और यूसीसी से मुझे आइए बताओ, नहीं तो गंधर्व विवाह क्या स्वीकारोक्ति है? कहीं हो रहा है जो आदर्श विवाह है उनमें वो है विवाह? ऐसा है, मैं बताता हूँ। महाराज दुष्यंत ने, अरे गुरुजी, जो स्वीकारोक्ति है गंधर्व विवाह, तो ये कि हम तुम्हें, अरे भाई सुनिए मेरी बात, पांडे जी, प्रभात जी, गंधर्व विवाह तो ये हुआ कि पाजी को मैं पसंद आ गया और मुझे ये पसंद आ गए, दोनों ने विवाह कर लिया। क्या ये इसी तरह से हिंदू विवाह हो रहे हैं आजकल? नहीं, मैं कह रहा हूँ आपको, अगर आप किसी पे आरोप लगाते हो, आप सोचिए, समझिए इन चीजों को। तो सवाल ये पूछिए इनसे, सवाल मैं, अरे प्रभात जी सवाल ये होना चाहिए कि दक्षिण भारत में कई परिवारों में, हिंदू परिवारों में मामा और भांजी में शादियां हो जाती हैं, लेकिन तो क्या वो सारे तमाम बदल ले? आराम से सवाल, तो क्या जब ये बनेगा उस समय उस नीत पे क्या चलने को हम तैयार हैं? देखिए एक चीज समझिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में उस समय भी बाबा साहब से बहुत सारी बातें कही, 48 से लेकर 52-51 तक खूब बहस चलती थी। अप्रिहेंशन थे उस समय, भी प्रश्न आए और मुस्लिम समाज के भी बहुत सारे लीडर्स ने उसका साथ दिया। फोकर जैसे नेताओं ने उसका विरोध किया, या हबीब करके थे उन्होंने विरोध किया, लेकिन बहुत सारे मुस्लिम जो लोग थे उन्होंने उसका समर्थन भी किया। हमारा कहना यह है कि एक अगर देश है, उस देश के अंदर अगर एक विधान बनने से बहुत सारी इश्यूज शॉर्ट आउट हो सकते हैं तो बनाना चाहिए। ऐसा ही जब मुसलमान, ठीक है, आराम, देखिए पहले डिबेट का नियम समझ लीजिए, खड़ा वहीं होना पड़ेगा और बोलना वहीं से पड़ेगा, 1x1 रंगरेज। हाँ मैं पूछ लूंगा, मैं एक बात पूछ रहा हूँ रंगरेज, अगर आपके अंदर थोड़ा बहुत पेशेंस है तो खड़े रहिए, नंबर आएगा। ये भेड़ चाल वाली डिबेट नहीं है, चुपचाप खड़े रहिए। यहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को भगा चुका हूँ, इसलिए चुपचाप खड़े रहिएगा जी। मैं ये कह रहा हूँ, जब इस देश में हिंदू कोड बिल आया, तमाम सारे अधिकार महिलाओं को मिले, हिंदू महिलाओं को मिले, सिख महिलाओं को मिले, और उसमें और भी जो तमाम पंथ हैं हमारे वो भी उसके अंदर शामिल होते हैं। अब आप देखिए कि अगर वो गैर कानूनी है तभी तो 1985 में हुआ, जजमेंट आता है। अगर वो गैर कानूनी है पर्सनल लॉ तभी तो 1995 में आया। ठीक, आई हैव टेकन योर पॉइंट। मैं पूछना चाहता हूँ, विश्व हिंदू परिषद के जो प्रवक्ता साहब हैं, ये बिना तैयारी के आ गए, बताइए आप यूसीसी में क्या क्या चीजें बदली जाएंगी, बताना जरा। ये बता नहीं पाएंगे भैया जी, ये सिर्फ बातें। अच्छा ठीक है, मैं ये जानना नहीं, अगर आपने आज ज्यादा रट्टा लगाया है और पूरी विद्वता यहाँ पे दिखाने के लिए आए एग्जाम के लिए, तो एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे यूपीएससी के भी लोग खड़े हैं और तमाम सारे लोग, इसलिए बहुत विद्वता की जरूरत नहीं। आराम से, मैं आपने अगर पढ़ा है तो मैं आपसे पूछूंगा, और अगर आपको ज्यादा ज्ञान है तो बताने में हिचक ना रखिए, किसी का इम्तिहान मत लीजिए जी। मैं प्रोफेसर आदमी हूँ, पढ़ाता हूँ इसी चीजों को, तो मैं बता देता हूँ, संपत्ति को लेकर के, पुत्र को लेकर के और तमाम सारी चीजों को लेकर के है, चार पांच चीजें हैं। ठीक है, सुन लिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं प्रोफेसर भाई, मैं सब जानना चाहता हूँ। अरे सुन लीजिए, अगर मुस्लिम महिला को या जो कस्टमरी लॉ है, जो परंपरागत कानून आ रहे हैं
अगर उन कानूनों के तहत अगर किसी के अधिकारों का हनन होता है तो उनको बदलना चाहिए, उनको बदला जाएगा। ऐसे पांच बातों को लेकर के खासकर इसके अंदर विषय आ रहा है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन पांच मुद्दे तो आ रहे हैं जो कि आप हिंदू महिलाओं को मिल चुके हैं। जी जी, आपका सवाल अलग है, मुख्तलिफ है, या वही सवाल उठाएंगे आप? देखिए भैया जी, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अभी आर्टिकल 30 धारा 370 जो हटाई गई कश्मीर से, आज तक उस देश वहाँ पर प्रदेश में एक भी चुनाव नहीं हो रहा। वहाँ की स्थिति क्या है कश्मीरी पंडितों के साथ? आज मुद्दा ये 370 पर है भैया, मगर धारा 371 की बात नहीं हो रही। आर्टिकल 37(1) जो आर्टिकल 37(1) नहीं, 371 बता रहा हूँ भैया जी, मैं उसी का बता रहा हूँ जिसके लिए इस पर। हाँ जी, वो अच्छे से रट नहीं पाए, जो उन्होंने याद किया है वो भूल गए। वो बेइज्जती और करवाएंगे हमारी। इसीलिए कहता हूं कि कभी रटना नहीं चाहिए, रटने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है कि मुद्दा आखिर है क्या। जी जनाब अली आइए, जो रटेगा वो भूलेगा। अब देखो, अब सुनो बात क्या है। सबसे पहले हाथ जोड़ के एक विनती करूंगा, थोड़ा सा समय दे दीजिए आज। ठीक, आप दे देते हैं, क्योंकि आओ आगे आ जाओ तुम। ये मुद्दा छिड़ा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो अभी भोपाल में भाषण दिया है, वहां से फिर पकड़ा। पहले ये पॉलिटिकल इशू नहीं था, लॉ कमीशन ने एक फॉर्मेलिटी है, वो तमाम संगठनों से जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि 2018 से लेकर 2021 तक लॉ कमीशन जो था वो फंक्शन नहीं था। नहीं, ये बात सही हो तो हर कमीशन का मामला चलता रहता है ना। 2016 में मांगा, 18 में रिपोर्ट हो गया, फिर अभी मांगा, फिर लॉ कमीशन अपना रिपोर्ट दे देती तो खेल खत्म। डिबेट का तो ये इशू नहीं था, लेकिन चूंकि डिबेट करवाया जाता है। अब दो बात मैं बताऊं, जब इक्वलिटी की बात आ रही है, बराबरी की, तो इस्लाम के मानने वालों को पहले फ्रंट पे आके कहना चाहिए कि इक्वलिटी के तो सबसे प्रबल समर्थक हम हैं, हम तो चाहते हैं कि सबके लिए एक समान सब कुछ हो, एकदम बराबर। जो खाना हम खाएं मेरा पड़ोसी भी खाए, जो कपड़ा हम पहना मेरा पड़ोसी। तो वह कहां जाएंगे, पसमांदा? वही पसमांदा, उनको ये भी, इनका, इनके ऊपर अभी नहीं बोलूंगा, मैं बोल रहा हूँ, मैं अभी सब पसमांदा का भी एक वो चला हुआ है। अच्छा, मैं पहले वही बोल उस पर, आर्टिकल 341, आर्टिकल 341, योगेश जी हमारे प्रोफेसर साहब हैं, इनसे विनती करता हूँ, समानता का अधिकार जब मतलब शादी ब्याह में आप कर रहे हैं, जो जरूरी है, रिफॉर्म होना चाहिए, आपको लगता है इस्लाम में ही सारी बुराई है, चलिए आप इस्लाम को ही सही कीजिए, लेकिन मुसलमान धोबी जो है वो आरक्षण से बाहर, और हिंदू धोबी आरक्षण का लाभ ले, मुस्लिम नाई आरक्षण से बाहर, हिंदू नाई आरक्षण का लाभ ले, मुस्लिम तेली आरक्षण से बाहर, हिंदू तेली आरक्षण का लाभ ले, मुस्लिम दुनिया आरक्षण से बाहर, हिंदू जुलाहा मन आरक्षण का लाभ ले, और मुस्लिम जुलाहा बाहर, और वो तमाम जातियां, हिंदू मोची ले, मुस्लिम मोची बाहर, हिंदू वाल्मीकि ले, मुस्लिम वाल्मीकि बाहर, तमाम जातियां 341 से बाहर, जो 1950 से है, जो पंडित नेहरू जी ने, जो आपके दुश्मन है उन्होंने किया था, कम से कम दुश्मन के गलत काम को सही कर देते हैं तो हम आपका कितना बड़ा फैन हो जाते। एक बात अब आखिरी, दोनों लोग गुस्सा है, दोनों ने यूसीसी को, मैं आ रहा हूं, 10 अगस्त 1950 को पंडित जी को भी हम कर देते हैं करेक्ट, 10 अगस्त 1950 को आर्टिकल 341 पर धार्मिक प्रतिबंध पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लगाया। अभी पढ़ के आइएगा इसको, होम मिनिस्टर को छोड़िए ना, जो प्रेसिडेंटियल ऑर्डर, पटेल जी को छोड़ रहे हैं क्या? ये पीओ है, प्रेसिडेंटियल ऑर्डर है ये। पर असल मुद्दा यूसीसी पर, असल मुद्दा यूसीसी पर, पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्यों बयान दिया, ये मुद्दा है, मुद्दा ये है, असल मुद्दा प्यार है, 2 सेकंड, पर्सनल लॉ बोर्ड को क्या जरूरत पड़ी? यूसीसी अगर आदिवासियों के कल्चर पर अटैक करता है अगर, तो आदिवासी के नेता क्यों नहीं बोलेंगे? अगर एससी के कल्चर पर अटैक करता है तो एससी के लीडर क्यों नहीं बोलेंगे? सारा मामला का ठेका मुस्लिम मतलब लोग क्यों ले रहे हैं? हर मामले को आ बैल मुझे मार, यूसीसी नहीं होने देंगे, एनआरसी नहीं होने देंगे, सीए नहीं होने देंगे, अरे सब का ठेका तुम ही ले लियो, और देश की 80% आबादी चुप बैठेगी क्या? इनको आगे अगर किसी का हित प्रभावित हो रहा है,
मैं कहता हूं अगर, मैं अगर लगा रहा हूं, मुझे क्या पता किसका हित प्रभावित होगा। जब ड्राफ्ट आएगा यूसीसी कौन सी चिड़िया कैसे उड़ेगी किस डाल पर बैठेगी देखेंगे ना भाई। लेकिन जो लोग पढ़े लिखे हैं काबिल हैं यूसीसी की गहराई को 44 में क्या क्या प्रावधान है जानते हैं तो वो आगे आए। और अगर आदिवासी आगे नहीं आ रहे हैं, दलित आगे आगे नहीं आ रहे तो मुसलमान ठेकेदार क्यों बन रहे हैं, ये मेरा सवाल है। इसका मतलब मैच फिक्स होता है, उधर प्लान बनता है और हमारे मौलानाओं को जो कहा जाता है ना कि टीवी वाले मौलाना, मैं कह रहा हूं ये बिकने वाले मौलाना।